गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका हमारे चैनल पी वी आर स्टडी पे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल पी वी आर स्टडी पे। आइए सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। फटाफट शेयर कर दीजिए क्योंकि आपकी साइंस की क्लासेस शुरू हो गई है। अब भाई ठीक है, फटाफट शेयर कर दो और जितने भी भाई मेरे जुड़े हुए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। यार लाइक ही तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, चलो आ जाओ फटाफट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने किस पे के बारे में डिस्कस किया था, मेंशन किया था। हम साइंस में चला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर कर ली। आज हम उसी चीज़ को कंसिस्टेंट करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा आज का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। अभी हमारा एक पार्ट बचा है इंपॉर्टेंट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने इसकी डायमीटर है, कितनी लेंथ है, ठीक है, वगैरह वगैरह और भी कुछ चीज़ें होंगी जिसको वन बाय वन करके हम स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए सबको और शेयर कर दीजिए फटाफट वीडियो को शेयर करके और सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। ठीक है, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। पहले हमने क्या बताया था, लास्ट वीडियो में हम बताया था, हमने क्या बताया था, ये हमारा क्या होता है भाई, पिक्चर्स में ड्रा करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा रफली पिक्चर्स रहेगा इसको, ये ऐसे। हाँ वन सेकेंड यार, मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया इसको। ये हमने पिक्चर्स बनाई थी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर्स हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये पिक्चर्स हमने बनाया था भाई रफली, और इस पार्ट को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, डियोडिनम। डी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, और यहाँ से भाई एक जो है इस तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ था, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या नाम दिया था भाई, पैंक्रियाज था ना। और ड्यूओडेनम से हमारा एक पार्ट और जुड़ा हुआ था, यहाँ पर डक्ट्स के विद इन द हेल्प ऑफ डक्ट के थ्रू, किससे जुड़ा था, डक्ट के थ्रू जुड़ा हुआ था बच्चों, जिसको हमने क्या नाम दिया था, लीवर। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम मेंशन कर चुके हैं। तो ड्यूओडेनम होता है, और ड्यूओडेनम में हमारा जो है कम्प्लीट डाइजेशन हो जाता है, यानी 100% डाइजेशन होता है। मैं शुरू से लेकर आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हम अपने फूड पार्टिकल्स में क्या क्या लेते हैं भाई, हम बता दे रहे हैं क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, तीन चीज़ों के मिक्सअप में हमारा फूड मटेरियल्स होता है जो भी हम खाते हैं। ठीक, आइए, इसी सब का डाइजेशन होता है, और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। और डाइजेशन की सारी प्रोसेस हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, विद इन द बिगिनिंग कहाँ से होता है, माउथ से, और माउथ से अभी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ, और माउथ से हम पहुंच चुके हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड पार्ट हमने बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था, इसको हमने नाम दिया था भाई जेजुनम। और ये लास्ट वाला पार्ट होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हमने क्या नाम दिया था भाई, ये होता है इलियम। ओके, अब जेजुनम का जो हिंदी मीडियम वाले नाम लिखेंगे भाई, हिंदी मीडियम वाले जेजुनम ही होता है। ओके, इलियम का भी नाम इलियम ही होता है। ओके, ये हिंदी मीडियम वाले जान लें। ठीक, आइए, जेजुनम हमने क्या किया भाई, इसके बारे में बता दिया, यहाँ पर हमारा कंप्लीट डाइजेशन यानी 100% डाइजेशन हो जाता है। फिर हमारा फूड जो है आगे प्रोसीड होता है, कहाँ आता है फूड, धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, जेजुनम में, ऐसे आते हैं इस रास्ते थे, यहाँ डाइजेस्ट हो चुका है, फिर जेजुनम में आता है, ये पार्ट्स हमारा जेजुनम होता है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, तो जेजुनम में क्या होता भाई, जेजुनम में हमारे फूड्स का नाइदर ऑब्जॉर्प्शन नॉट डाइजेशन, मतलब हमारे फूड्स का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पार्ट जिसमें ना फूड डाइजेस्ट होता है ना ही फूड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, जेजुनम। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा मेरे दोस्तों, क्या पूछ लिया जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वह कौन सा पार्ट है जिसमें ना ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना ही डाइजेशन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जेजुनम। फाइनली हमारा फूड्स पहुंच जाता है इलियम में, इलियम जो है
हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है डाइजेशन में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलियम। इलियम में क्या होता है भाई? इलियम के बारे में हम मेंशन कर रहे हैं। इलियम, इलियम में जनरली दोस्तों होता क्या है, इसमें विलाई, विलाई इलियम के अंदर के स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो इसमें क्या होता है, विलाई, विलाई नामक जो है एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं भाई, हमारे डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, यहाँ से हमने क्या बताया आपको कि हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट्स में होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन होता है, 100% डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो ड्यूओडेनम में कंप्लीट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो इलियम में होता। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ओनली किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक दोस्तों, क्या होता है इलियम का वर्क मेन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आइए चीजों को हम क्लियर करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसमें ऐसे, ठीक है, ये क्या होती है भाई, इसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, विलाई, विलाई हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको बिली कहते हैं, बिली कैट वाली बिली नहीं, ऐसे विलाई। ये कैसा होता है भाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट्स में होता है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी होती है भाई, ये सरफेस होती है, इसको सरफेस है, ऐसे ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे सरफेस, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला पार्ट है, तो क्या होता है, ये सरफेस इसकी जो होती है कैसी होती है भाई, रफ सरफेस होती है, स्मूथ नहीं होती, रफ होती है, जिसमें क्या होता है हमारा स्मूथ, रफ का मतलब होता है आप कहीं पर देखे होंगे कोई प्लेन एरिया है तो उसमें क्या होती है, तो थोड़ी सी गड्ढा, थोड़ा सा ऊंचा, ऐसे ही समझ लीजिए रफ, ठीक है, तो रफ सरफेस होती है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है यहीं पर आके रिजर्व हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, रिजर्व होना मतलब संग्रहित होना, संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, किस फॉर्म में संग्रहित होता है हमारा रिजर्व फूड, किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है संग्रहित फूड, रिजर्व होता है, तो आप नाम जान लीजिए, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ग्लाइकोजन किस में बनता है सर, ये देखिए प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का मतलब होता है भाई, ये किसका फॉर्म होता है भाई, ग्लाइकोजन हमारा किससे बनता है, तो कन्वर्जन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लाइकोजन में, और प्रोटीन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। ठीक दोस्तों, और बचा हमारा फैट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल में। ठीक, तो इसी रूप में हमारा फूड मटेरियल जो है यहाँ पर जाके संग्रहित हो जाता है, मतलब इकट्ठा होता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब वहीं पर वो डाइजेस्टेड फूड किस रूप में रहेगा, ग्लाइकोजन के, अमीनो एसिड के, और ग्लिसरॉल रूप में। ठीक है, हमने खाया क्या था, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन, फाइनली किस में बदल गया, वो सब चीज़ें कन्वर्ट किस में हो चुकी हैं, कार्बोहाइड्रेट बदल गया है ग्लाइकोजन में, फैट्स बदल गया ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन बदल गया अमीनो एसिड में, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, और ये कहाँ पर स्टोर हो रही हैं, विलाई नामक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, यहीं पर ये सारी चीज़ें संग्रहित हो जाती हैं। फाइनली क्या होता है बेटे, यहाँ पर बच्चे मेरे छोटी छोटी स्मॉल डक्ट होती हैं, स्मॉल डक्ट्स होती हैं, ये इसमें सर्कुलेट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, स्मॉल डक्ट्स होती हैं, एक छोटी छोटी बहुत ही माइनूट जो स्मॉल डक्ट्स पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, और इसमें क्या हो जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है हमारे ब्लड्स में, मिल जाता है, और फाइनली जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे सभी ऑर्गन में पहुंच जाता है। क्लियर, तो
हमने क्या खाया भाई, हमने बताया हमने फूड्स खाया, फूड्स हमारा डाइजेस्ट हुआ। अब डाइजेस्टेड फूड जो है बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। बिलाई में कुछ कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड डक्ट्स होती हैं जिसमें ब्लड्स होते हैं। उन डक्ट्स के माध्यम से पूरा फूड मटेरियल हमारे सभी बॉडी आर्गन में या सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा, या बॉडी ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं उसको कंज्यूम कर लेंगी। फाइनली उस फूड मटेरियल से वो क्या करेंगी, एटीपी का फॉर्मेशन करेंगी। ओके क्लियर। तो यहीं पर हमारा फूड जो है कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता। अब ये पॉइंट जो है एंड हुआ किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट कौन लेना चाहता, चलो ओके ठीक है ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कौन कौन से क्वेश्चन लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पुट अप होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सारी चीज़ें मैं वन बाय वन करके बता चुका हूँ। ड्यूडेनम में कितने टाइप्स के एंजाइम होते हैं, किसका क्या रोल होता है, कौन एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, सब चीज़ों को मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। आइए अब यही इलियम वाले पार्ट से जो है हमारा क्या स्टार्ट हो जाता भाई, क्या स्टार्ट हो जाता हमारा इलियम वाले पार्ट से ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे आती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है ओके तो ये मैंने बता दिया भाई, ये हमारी जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों कहते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट इज द रीजन ऑफ, पहला चीज जान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो मैंने पार्ट्स बताए भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, मेनली तीन मेन पार्ट्स होते हैं इसके, तीन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहले पार्ट्स का नाम जानते हैं सीकम, सेकंड का नाम होता है कोलोन, और थर्ड का नाम होता है मेरे बच्चे रेक्टम। ओके क्लियर हुआ आपको, तीन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला सीकम, सेकंड कोलोन और थर्ड रेक्टम। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ सीकम, व्हाट इज द वर्क ऑफ कोलोन एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ रेक्टम। आइए देखते हैं, ये जो मेरा पार्ट होता है भाई इलियम के जस्ट नीचे वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक मेरे बच्चे, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम जानते हैं सीकम। सीकम हिंदी मीडियम वाले इसको जस्ट ऐसे ही लिखेंगे सीकम, मुझे लगता है यहाँ तक लिख दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है सीकम। सीकम मैंने क्या लिखा नीचे एकदम सी ई सी यू एम सीकम, स्पेलिंग मैंने बोल दिया ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा सीकम होता है। जब हमारा डाइजेस्टेड फूड यहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है, जो फूड हमारा बच जाता है, बचने के बाद क्या होता है वो सीधे किस में आता है, सीकम वाले पार्ट्स में, सीकम वाले पार्ट्स में। सीकम में एक और पार्ट्स होता है यहीं पर ऐसे ऐसे पाया जाता है, मस्कुलर टाइप का ऑर्गन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऐसा ऑर्गन होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसा होता है मेरे बच्चे, वेस्टिजियल ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जिनका जो है हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, जिनसे मतलब हमें ना कोई नुकसान होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है। दोज ऑर्गन व ऑर्गन नॉट हेल्प टू आवर डाइजेशन एंड नॉट हार्म टू आवर डाइजेशन, ठीक है, नॉन एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कैसा ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्या नाम होता है मेरे बच्चे, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप देखते होंगे कहीं भी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि फला आदमी को या फला पेशेंट को अपेंडिक्स हो गया है, व्हाट इज द रीजन, कैसे होता है अपेंडिक्स, इसके बारे में जान लीजिए। ऐसा ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स का मेन वर्क क्या होता है मेरे बच्चे, अपेंडिक्स कैसे आया कैसे बना, जब हमारे जो एंसेस्टर थे यानी हमारे पूर्वज या आपके पूर्वज क्या थे भाई, क्या थे हमारे पूर्वज, हमको पता है कि किस रूप में होते थे, बंदर के रूप में थे, किसके रूप में थे, बंदर्स के रूप में थे, जिसको अभी बहुत सारी चीज़ें, जिसकी बहुत सारी जातें अभी क्रोमैग्नॉन वगैरह
अभी हाँ लेटेस्ट हैं जो खोजी गई हैं पता चला है। तो हमारे पूर्वज जो थे क्या एक थे भाई बंदर की प्रजाति थी, तो हमें पता चला था कि इसमें अपेंडिक्स में क्या होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स सिक्रीट होते थे यहाँ से। और ये क्यों होते थे, क्योंकि भाई जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या खाते थे, कैसा खाते थे भाई, ग्रीन ग्रासेस वगैरह खा लेते थे या फिर ऐसे फूड मटेरियल खा लेते थे जिसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, तो उन्हीं को डाइजेशन के लिए जो हमारा अपेंडिक्स का काम हुआ था। बट आज के समय में हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो कि हमारा इंटेस्टाइन कंप्लीट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो अपेंडिक्स क्या होता भाई, जब हम कभी क्या होता बहुत ज़्यादा कैसे फूड्स खाते हैं, ऑयली फूड्स खाते रहते हैं यानी बहुत ज़्यादा तेल से तला हुआ फूड्स खाते रहते हैं, तो क्या होती हैं जो ये फैट्स होती हैं यहाँ पर आके धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती हैं, जमती रहती हैं। और जमने के देन आफ्टर, ठीक है, स्टोर ऑफ फैट एक ऐसा हो जाता है, एक मोटी लेयर पाई जाती हो बन जाती है। और इसी से क्या होता आदमी के केस में पेट में, कहते हैं पेट में लेकिन वो पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लोग कहते हैं दर्द हो रहा है, तो दर्द के बाद जब चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर फाइनली क्या एनालिसिस करके बताता कि आपको अपेंडिक्स हो गया। फिर क्या होता भाई, इसको हम धीरे से क्या करते हैं कट कर देते हैं, कट करने के बाद इस पार्ट्स को हम रिमूव आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से, फिर फाइनली हम धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, मतलब अपेंडिक्स क्या हुआ, क्लियर हुआ। अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट्स का पहला पार्ट्स होता है, वहीं पर अपेंडिक्स नामक एक ऑर्गन होता है जिसको हम किस नाम से कैसा ऑर्गन जानते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। आइए, लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पॉइंट आएगा लेंथ क्या होती है भाई, लेंथ कितनी होती है इसकी, 1.5 से 2 मीटर्स। ठीक है, देख लो भाई, हमने उसका कितना बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का, 6.6 से 6, मतलब उससे छोटी है, फिर भी नाम लार्ज दिया गया, क्यों बताते हैं, रीजन। डायमीटर कितना होता है दोस्तों इसका, 3 इंच। डायमीटर कितना होता है, 3 इंच। इसी डायमीटर की वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सीकम हुआ, बाकी का जो पार्ट्स होता है ये जो घूम के आया है गोल सा, इसको हम कोलोन नाम देते हैं, कोलोन नाम देते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है मेरे बच्चों, उसको नाम दिया जाता है रेक्टम, रेक्टम। ठीक, क्लियर हुआ आपको। तो मैंने क्या बताया भाई, लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर तक होता है। दूसरा होता है इसका डायमीटर कितना होता है, तो 3 इंच होता है। तो दो क्वेश्चन आपको यहीं से पुटअप होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 से 2 मीटर तक, या फिर पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 3 इंच होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपका वरना आंसर होगा सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि अपेंडिक्स जो है कहाँ पर पाया जाता है, किस जगह होता है, कैसा ऑर्गन होता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिससे हमें ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। किसका पार्ट होता है अपेंडिक्स, सीकम का। सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो है फूड मटेरियल, जो बचा हुआ फूड मटेरियल यानी वेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पर एंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद ऐसे ये धीरे धीरे ये कोलोन के रास्ते से मूव करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, रेक्टम में। कोलोन में जो मेन वर्क होता है दोस्तों, ये जान लीजिए, कोलोन का मेन वर्क क्या होता है, कोलोन का मेन वर्क क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक, वाटर का एब्जॉर्प्शन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हमारे बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट्स पे। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कोलोन में क्या होता है भाई, हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन, और हमने अभी पढ़ा है इलियम में हमारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे इलियम में होता। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फाइनली हमारा फूड जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा हमारे रेक्टम में। तो कोलोन से हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, कोलोन जो है जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक, रेक्टम तक। और नो वर्क ऑफ द कोलोन, कोलोन का और कोई काम नहीं होता है दोस्तों, केवल एक ही काम होता है, हमारे भोजन को पहुँचाता है रेक्टम तक। रेक्टम में आफ्टर, जब भी हमारे रेक्टम में हमारा फूड मटेरियल होता है
यहाँ पर ये क्या हो जाता है, फूड मटेरियल 2-3 घंटे में क्या हो जाता है, वेस्टेड वेस्टेड फॉर्म में या स्टूल फॉर्म में या फिर फीसस फॉर्म में, फीसस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है किसके विद इन द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया होता है, एक हमारा रेक्टम में बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। वेयर इज द प्रेजेंट ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, तो यू नो ऑल्सो रेक्टम, रेक्टम में हमारा जो कैसा बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है इस फूड मटेरियल्स को, जो भी हमारे फूड मटेरियल आए हैं रेक्टम में, उसको क्या कर देता है, वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, स्टूल में कन्वर्ट कर देता है या फीसेस में कन्वर्ट कर देता है। फाइनली इस स्टूल और फीसेस को हम किसके थ्रू, एनस के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट ठीक, एक्सक्रीट आउट मतलब बाहर निकाल देते हैं, ठीक। यही चीज, यही हमारी पूरे डाइजेशन की सारी प्रोसेस होती है। तो हमने क्या बताया, ई कोलाई। अब ई कोलाई क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पाई जाती है, रेक्टम में। मेन वर्क क्या होता है इसका, वेस्टेड फूड मटेरियल को कैसे, ये जो हमारे फूड पार्टिकल्स आए थे उसको वेस्टेड में कन्वर्ट कर देता। और ये कैसा रिलेशनशिप रखता है हमारे साथ, सिम्बायोटिक रिलेशन कैसा होता है, क्या होता है भाई सिम्बायोटिक रिलेशन, दो ऐसे सहजीविता जिसको कहते हैं, दो ऐसे अलग अलग क्षेत्र के प्राणी जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे कि अब भाई सहजीविता का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बताएं हम, ह्यूमन बींग, हम क्या हैं, ममेलिया ग्रुप के हैं, और ये बैक्टीरिया जो होता है भाई ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका दूसरा फाइलम होता है और हमारा दूसरा फाइलम होता है। तो ये क्या करता है भाई, हमसे जो है इसी में रहता है और हमारा जो वेस्टेड फूड, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जो हमसे बचा है एब्जॉर्ब होने से, उसको एक्सेप्ट करता है, एक्वायर करता है, मतलब ले लेता है। फिर ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन 12 की सिंथेसिस करता है, और किसकी करता है भाई, विटामिन 6, 2 टाइप्स के विटामिन की ये सिंथेसिस करता है, प्लस हमारे जो फूड मटेरियल है, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल, उसको क्या कर देता है, स्टूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को क्या करते हैं भाई, ये हमने इनको भोजन दिया, इसने हमको विटामिन दिया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ई कोलाई, जो हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप रखता है, सहजीविता का रिलेशनशिप, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे मेरे बच्चे, क्या पूछा जा सकता था, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो कितने पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, हमने मेंशन कर दिया, 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। पूछा जाएगा अपेंडिक्स कहाँ पर पाया जाता है, तो अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पर, सीकम का जो है अपेंडिक्स पार्ट होता है। कैसा ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं होता, ठीक। फाइनली कोलोन का काम क्या होता है, ये वाटर का ऑब्जर्प्शन करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, वाटर का ऑब्जर्प्शन, वेयर इज द वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में वाटर का ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, तो आप कहाँ बताएंगे, कोलोन का, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों इसमें से, कि रेक्टम में हमारे फूड मटेरियल जो है वेस्टेड में कहाँ कन्वर्ट होते हैं, तो रेक्टम में हमारा फूड मटेरियल में मोस्टली ज़्यादातर कितने देर तक रहता है, 2 से 3 आवर, ठीक। तो फिर इसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हुआ डाइजेशन, पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हुआ। किसी भी फ्रेंड्स को कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई मिस्टेक हुई होगी, भाई ह्यूमन एरर है, हो सकता है मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया हो, तो उसको अपने कॉम्प्लीमेंट में या कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके सजेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे और अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड में सुधार करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, कमेंट में अपने फीडबैक डेफिनेटली दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या, हम इसको कंटिन्यू करें, जैसा भी लगे आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक नए उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए PBR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।